बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां गाजियाबाद में झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक मासूम की जान चली गई है। वहीं घटना बीती 25 तारीख की है और घटना के बाद से झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक को बंद कर फरार है। वहीं बच्चे के माता पिता द्वारा स्थानीय पुलिस को इस घटना की शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मृतक 9 वर्षीय बच्चे को फोड़े फुंसी के इलाज के लिए उसकी मां डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन झोला छाप डॉक्टर ने उसे ऐसा इंजेक्शन लगाया कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई है। वहीं मासूम की मौत के बाद परिवार का बेहद बुरा हाल है और इंसाफ की गुहार बच्ची का परिवार लगा रहा है। और यह पूरी घटना गाजियाबाद के लोनी के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के इलायचीपुर इलाके की है, जहां गाजियाबाद में बड़ी संख्या में झोला छाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और गाजियाबाद में कई मौतों की वजह बन चुके हैं। लेकिन गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंद करके बैठा हुआ है और गाजियाबाद में कोई बड़ी कार्रवाई इन झोला छाप डॉक्टरों पर बीते लंबे समय से नहीं हो पा रही। फिलहाल आप बच्चे के परिजनों को सुने और चिकित्सा प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोनी को सुन सकते हैं। क्या नाम है आपका? सेनू कुमारी। क्या हुआ यहाँ पर? 9 साल का बच्चा था मेरा। क्या नाम था? बंसु कुमार जी। तो मैं दवाई लेने गई थी उसकी जी। तो मैंने बोली थी मैंने कि इसके पट्टी कर दो जी। वो कहने लगा कि नहीं पट्टी नहीं होएगी, पट्टी पैंट पहनेगा तो पैंट में बेकार हो जाएगी पट्टी इसकी जी। तो मैं कहने लगी मैंने कि पट्टी कर दो भैया, कोई नहीं मैं कि पैंट नहीं चिपकेगी इसके जी। तो कहने लगा मैं सुई लगा देता हूँ उसके। मैं कहने लगी मैं कि भैया सुई मत लगाओ उसके, मैं कि कभी नुकसान कर जाओ। कहने लगा नहीं कुछ नहीं होएगा, मैं लगा देता हूँ उसमें सुई लगा दी मैंने हाथ में। उसके बाद उल्टी हुई है उसको, उल्टी 2-3 उल्टी हुई है। 2-3 उल्टी होने के बाद वो अंदर ले गए अपने उसमें दुकान में, वो लिटाया है वहाँ पर। उसके थोड़ी मालिश सी करी हाथ पैरों की, उसमें कुछ नहीं रहा था जी। उसके बाद उसने ऑटो करा है मेरे को, वो कहने लगा कि चलो तुम सोनिया बिहार जाओ जी। मैं सोनिया बिहार गई, मैंने उससे बोला है कि तुम मेरे गैल चलो, वो कहने लगा कि गैल मैं आ रहा हूँ मोटरसाइकिल। क्या नाम है उस डॉक्टर का? गौतम कुमार। अच्छा, अब वो कहाँ है इस समय? वो फरार है। अच्छा, वो नहीं है यहाँ पर। अब फोन करते हैं फोन नहीं मिलता है। किस नाम से क्लिनिक था उसका, पता हो आपको? तो सरस्वती था। हाँ जी, इस नाम से क्लिनिक था। हाँ जी। क्या आपने कहीं शिकायत की है इसकी? हाँ जी, मैंने हर जगह शिकायत की है, कहीं भी शिकायत नहीं। कार्रवाई हुई अब तक? नहीं, कहीं भी नहीं हुई कार्रवाई। तो मैं वहाँ पे गई सोनिया, वहाँ पे मलकागंज में, वहाँ हिंदूराम में, तो हिंदूराम में कह रहे हैं सब। तो मैंने वहाँ जाकर लिटाया था, तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये तुम क्या लेकर घूम रहे हो जी। मैं कि ये मेरा बच्चा है जी। तो कहने लगे ये तो लाश लेकर घूम रहे हो तुम। मैं कह लगी मैंने कि नहीं, मैं कि मेरे को तो वहाँ से लेकर आई हूँ, मैं तो लाश की आई हूँ मेरे बालक है जी। तो कहने लगा इसमें कुछ नहीं है। अब वहाँ से फिर मैं गई हूँ अपनी सास के पास, सास के पास भी 2-3 घंटा घूमी थी मैं रोड पर, मेरे को उनका घर नहीं पता लगा। सर ये झोला छाप डॉक्टरों के कारण एक 9 साल के बच्चे की जान चली गई है, इस पर आपका क्या कहना है? इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को है और इस पर जांच चल रही है जी। और अभी ये फिलहाल क्या कहते हैं 4-5 दिन से ये फरार है, क्लिनिक भी बल्कि बंद मिली है, बंद ली है और इसके कोई बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा है। ये सूचना मिली कि यहाँ पर पहले कोई बैठता था जो कि करता था प्रैक्टिस, पूरी जाँच चल रही है। सर अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, सर लगभग सर लोनी में सर जैसे सूचना मिलती है कि 1000 डॉक्टर होंगे कम से कम झोला छाप, क्या कारण है? स्वास्थ्य विभाग चैन की नींद सोया हुआ है और कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है? स्वास्थ्य विभाग चैन की नींद नहीं सोया हुआ है, जहाँ से ऊपर से भी कोई भी खबर है ऊपर से CMO ऑफिस से, इस पर कार्रवाई की जा रही है लगातार। अभी कुछ सेंटर्स भी सील किए गए हैं, सारी चीज़ें लगातार कार्रवाई हो रही है, जहाँ से शिकायत मिलती है वहाँ पर तुरंत जाके चीज़ें और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि ऐसी ऐसी गलियों में कभी बैठे होते हैं जहाँ पर इनको धूमपान बिना बोर्ड के बैठे होते हैं, लेकिन जब सूचना मिलती है कि यहाँ पर बैठे हुए तो उनके कार्रवाई की जाती है। क्योंकि सर उसके जो परिजन हैं बच्चे के, उन्होंने बताया कि उन्होंने इंजेक्शन देने के लिए मना किया था उस झोला छाप डॉक्टर को, जो सरस्वती क्लिनिक के नाम से था, और उसने फिर भी इंजेक्शन दिया जिससे बच्चे की डेथ हो गई। अगर वो गलत तरीके से बैठा हुआ है जी, तो उसको तो किसी भी तरह की दवाई देने का अधिकार नहीं, इंजेक्शन बहुत दूर की बात है। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मैं न्याय विहार में। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ, हमारे पड़ोस में एक बच्चा था 9 साल का जी। उसके पैर पे एक छोटा सा मामूली सा दाना था जी। तो उसकी मदर लेकर गई उसके डॉक्टर के पास में, डॉक्टर का नाम है गौतम जी, गौतम सिंह। तो उसके पास लेकर गई, इन्होंने बोला ऐसा करो इसको पट्टी कर दो जी। तो अब उसने क्या करा, डॉक्टर ने ड्रेसिंग तो की नहीं, कहने लगा इंजेक्शन लगा देता हूँ मैं जी।
उसकी मदर ने मतलब काफ़ी उसको मना किया कि भाई नहीं इंजेक्शन मत दो, इंजेक्शन मत दो। उसने बोला नहीं इंजेक्शन से जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बावजूद भी उसने किया, अगर इंजेक्शन नस में दिया, जो कि नस में देने का कोई मान्या नहीं लगता, मतलब नस में नहीं लगाते हैं इंजेक्शन। अभी जैसे कि उसको नस में इंजेक्शन लगाए, मतलब हाथ में इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाते बच्चे को वोमिटिंग मतलब उल्टी हुई है, बच्चे को उल्टी हुई, उल्टी होते ही बच्चा घबराने लगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल पर लेटा दिया जाके। मैं नहीं थी मगर बच्चे की मदर ने बोला है। अब सारी बात आप मदर की, बच्चे की मदर से पूछिए। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह चौहान की रिपोर्ट।